अवार्ड हमें मिला एंड इसके लिए कल्याण जी जाना उनको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा, आई एम सो हैप्पी टुडे। ये एक अच्छा सा माहौल था जहाँ पे हमने ये अवार्ड रिसीव किया एंड थैंक यू। इस तरह से अवार्ड मिलता है तो थोड़ा हौसला बढ़ता है, वेरी गुड। देखिए ये मेरी आप बीती दर्शाता है और न सिर्फ मेरी आप बीती बल्कि उन तमाम महिलाओं की आप बीती जो रोजाना इस समाज में जजमेंट का शिकार बनती है। मैसेज ये है कि जजमेंट के पिंजरे में हम जब कैद होते हैं तो उस पिंजरे से बाहर कैसे आए, उस पिंजरे के दरवाजे को लात मारकर। तो रोजाना हम क्या करें, हमें खुद पर सुबह शाम आत्मविश्वास करना होगा। लोग हमें रेट करेंगे, जज करेंगे, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे सरेआम, मीडिया को बुला बुला के आओ 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 ये देखो ऐसा बोलेंगे। बावजूद उसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा। और ईश्वर कहाँ बसते हैं, हमारे भीतर। ये मैसेज है। फिल्म इंडस्ट्री में डीमोटिवेट करने वाले काफी लोग हैं व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, और जब आप आती हैं इंडस्ट्री में तो ऐसे काफी लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ट्रोल्स हर सेक्टर में होते हैं, मीडिया सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, हर जगह ट्रोल्स बसते हैं। तो उनके साथ हम डील कैसे करें, हमें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी मानसिकता है जो जज करती है, वो मानसिकता से हमें खुद को बचाए रखना है। काफी बदलाव आया है। आज जब कोई हीरोइन लो कट चोली पहनती है या प्रोवोकेटिव लिबास पहनती है तो उसे वैम्प नहीं कहा जाता है, उसे भी हीरोइन ही कहा जाता है। तो सोच में बदलाव आया है और आप देख सकते हैं कि आजकल कितनी बोल्ड वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं और हम उन्हें देखकर आनंद ले रहे हैं। तो समाज में और समाज की सोच में बदलाव आया है। देखिए क्योंकि मैं खुद किडनी फेलियर से पीड़ित हुई हूँ, इसलिए आज मेरे दिल में उन तमाम किडनी पेशेंट्स जो सुबह शाम किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास जगह है।
और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मेरा जो NGO है प्रकाशन फाउंडेशन, उसके चलते उन तमाम ज़रूरतमंद किडनी मरीजों के लिए मैं कुछ करूँ, जैसे कि फ्री डायलिसिस उन्हें मुआयना कराऊँ। ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, कोई ना कोई सामने आए और कहे कि हाँ हम इनकी देखभाल करने को तैयार हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो कदम उठाऊँ। असली तो बनना चाहे पर चाइना का नकली तो माल, कल तक खुश था बहुत आज खुद पर ही है मलाल। क्यों मेरे लाल जा पूछ जाके खुद से सवाल, जो करता कुछ खुद से बेड़ा आज मचता बवाल। यूं ही ना कलम ये मेरी बेहाल, लिखती हूँ थोड़ा सा कड़वा तभी तो कागज ये शब्दों से मेरे हलाल। ये करते हैं जज, ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। देखिए मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो मेहरबान हैं, कदरदान हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप किसी को जज ना करें। जजमेंट करना बहुत आसान होता है, ये कहना कि अरे ये कैसी दिखती, ये कैसा चलती, ये कैसा बोलती, बहुत आसान होता है जज करना। लेकिन जो जजमेंट का विक्टिम बनता या विक्टिम बनती, ज़रा जाकर उससे पूछो वो कैसा महसूस करते। तो मेरे ख्याल से इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें सेंसिटिव बनना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और जो कोई हमें जज करे, हम उससे पूछें अबे तू कहाँ का तुर्रम खान है, तेरी औकात क्या है बे हमको जज करने के लिए, कौन है तू, अपने गिरेबान में झांक कर देख। तो ये हमारा रवैया होना चाहिए, वरना आए दिन कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, कोई ना कोई जजमेंट या क्रिटिसिज्म का शिकार बन सकता है। तो इसलिए हमें इन ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। लास्टली थैंक यू सो मच, मेरा खुद का NGO है प्रकाशन फाउंडेशन, और इस NGO का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम किडनी पेशेंट्स के लिए कुछ करें, ज़रूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करें, और इस समाज को और बेहतर बनाएं। लास्टली आज के समय में जो फिल्में आ रही हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, एक लिमिटेशन क्रॉस करते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट स्टार्ट करते हैं, या यू नो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट चलाते हैं, वो कहाँ तक गलत मानते हैं आप? देखिए एंटरटेनमेंट मनोरंजन के नाम पर अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो इसे मनोरंजन नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। चाहे धर्म कोई भी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जो कोई भी धर्म हो, हमें किसी भी इंसान के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी हक नहीं बनता। तो जो लोग मनोरंजन के नाम पर इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, और हमें इसका विरोध करना चाहिए। जी धन्यवाद, थैंक यू। प्रेस का भी और लोगों का भी जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ किया है, क्या? देखिए प्रेस का तो सम्मान होना ही चाहिए, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेस मीडिया की बात कर रहा हूँ। गोदी मीडिया को तो कहीं गोदी में बैठा के मोदी के पास छोड़ाओ, नहीं नरेंद्र मोदी के नहीं, नीरव मोदी के पास। ये देखो कितना चिल्ला रहा है, ठीक ये चीख चीख इसका कल गला बैठे मिल गया, और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, इतना गला बैठ चुका होगा, लेकिन अच्छी बात है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर मुझे, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर ये जो अवार्ड मुझे मिला है, बहुत ताकत बड़ी है, क्योंकि शिवाजी महाराज जी के हम सब भक्त हैं, फैन हैं, उनके जो रास्ते उन्होंने रास्ते बताए, द वन मैन आर्मी कैसे किया जाए, तो हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन उनके इसलिए फ़ैन हैं कि हम लोग भी वन मैन आर्मी होते हैं, स्टेज पे खड़ा अकेला आदमी, बिना म्यूज़िक के, बिना किसी सपोर्ट के, अकेला आदमी माइक पे खड़ा होकर पब्लिक को हंसाता है, खुशी देता है। तो मुझे लगता है आज जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं कल्याण जी का और तमाम टीम का और स्पेशली श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उनके काम को प्रणाम करता हूँ, और आने वाली फिल्म जो हमारी गाली गलौज है उसको आशीर्वाद मिलेगा, शुभकामनाएं मिलेगी, ऐसी आशा करता हूँ।
सर बिग बॉस का नया सीजन शुरू हुआ है, इंडियन लाइफ चैनल विनर रहे हैं आप, उसके बाद क्या आपको कोई ऐसा ऑफर आया ना जिसका आप? तीन चार बार मुझे ऑफर आ चुका था, शुरू शुरू में जो प्रोग्राम ठीक ठाक था, लेकिन अब तो बहुत गंदा हो गया, वाहियात हो गया है, सामने सलमान मियाँ और अंदर खलीफा मियाँ है ना, सामने मियाओं का खलीफ। सनी जी पैनलिस्ट बन गई हैं, सनी लोनी बताइए अब क्या बचा, अब तो मुझे लगता है कि चद्दर मालिक वाला जाना अंदर बाकी रह गया, चद्दर बदलू जाने वाला। स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए रियलिटी शो का? नहीं बंद है, टीवी इंडस्ट्री अब देखने लायक नहीं रही, टीवी इंडस्ट्री रही नहीं, ओटीटी नहीं रही है देखने लायक, 10% टीवी इंडस्ट्री, 10% फिल्म इंडस्ट्री, 10% ओटीटी इंडस्ट्री ही देखने लायक बची है, बाकी सब गंदगी नग्नता और का सहारा ले रहे हैं, उनकी मतलब औकात ही नहीं कि दर्शकों के सामने अपना दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नियत और कंटेंट साफ सुथरा लेकर जाए। ठीक है, फिल्म बनाते आदि पुरुष अंदर होता है आदि मानो, आपको आभास भी नहीं प्रभास भी नहीं, लोग बोलते फिर क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो जब क्रिटिसिज्म होगी तो क्रिटिसिज्म तो हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि और MMS ने फिल्म बनाई, MMS ने डायलॉग लिखे, MMS के डायलॉग तो पता है आपको कैसे होते, MMS के डायलॉग तो पता होता आपको कैसे होते, MMS मतलब मनोज मुंतशिर शुक्ला जो राइटिंग के मामले में निकला खोखला, खा रहा है ढोकला, तो मुझे लगता है कि सबको सुधरना चाहिए, वरना रीजनल इंडस्ट्री जो है पंजाबी गुजराती मराठी साउथ इंडस्ट्री भारी पड़ेगी, और जो ऑलरेडी भारी पड़ चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शुभकामना देनी चाहिए बॉलीवुड वालों को, ताकि अपना आलस भगा के, अपना ईगो भगा के, अपना अहंकार भगा के कैरेक्टर निभाए, कहानी निभाए, अच्छी फिल्में बनाए, हम दर्शकों को फिल्म दिखाएं, जैसे हमारी फिल्म गाली गलौज है, फिल्म का नाम गाली गलौज है, फिल्म में गाली गलौज नहीं है। थैंक यू, आ जाओ यहीं आ जाओ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो इतना प्यार दिए, जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 है, ये मिलना ही बहुत बड़ी बात है लोगों को, जो मुझे महाराष्ट्र ने प्यार दिया है, यहाँ पे आके जो मुझे मिला है, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, और इतने सम्मानित लोग, ये अवार्ड मुझे कुमार सानू जी ने दिया है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिनके गाने सुन के मैं बड़ी हुई, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऐसे ही आप अपनी एकता गुप्ता को प्यार दीजिए गाइस, कि आपकी एकता गुप्ता इससे भी अच्छे अच्छे और अवार्ड्स लेके आए, ये तो अच्छा है इससे और लेके आए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत बधाई देता हूँ मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, मेरा काम ऑर्गेनिक मुक्त भारत का है, पिछले 15 सालों से मैं इस काम को आयुर्वेदिक रूप में कर रहा हूँ, कई अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, आज का अवार्ड मेरे लिए बहुत खुशी का अवार्ड है, मीडिया बंधु को बधाई देता हूँ, कल्याण जी जाना जी को बधाई देता हूँ, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद जय भारत। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर निकिता चौधरी, मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे स्टेज पर ये अवार्ड मिला है, छत्रपति महाराज शिवाजी अवार्ड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियर ऑन दिस स्टेज, और मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव समथिंग इनसाइड यू, यू विल डेफिनेटली गेट दैट, जस्ट कीप रनिंग आफ्टर योर गोल्स, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने गोल्स के बारे में सोचिए, चीज़ों के बारे में सोचिए, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग, और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी फैमिली, माई मदर, माई हस्बैंड, एंड स्पेशली मेरी मेंटोर शताब्दी रॉय को, शताब्दी रॉय इज़ वन ऑफ द अनदर कंटेस्टेंट जिनको एक और अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दिस इज अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड, सो हियर अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू to make me feel so proud to have this award. Thank you so much. बहुत खुशी की बात है आज छत्रपति महाराज अवार्ड मिला है मुझे, आज कल्याण जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया, और ये मेरे गाने के लिए मिला है तो मिलता है मुझे, जो आजकल बहुत वायरल हुआ है तो मिलता है मुझे, जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ है, और बहुत खुशी की बात है, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब कब से यहाँ पर आए हैं, होप आप सब ने नाश्ता वाश्ता किया होगा, थैंक यू टू कल्याण जी जिन्होंने इतना गौरवशाही अवार्ड मुझे दिया है, आई एम रियली वेरी प्राउड, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड लेते हुए, थैंक यू। मेरा नाम शिवम कोत्सव है और
और मुझे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है. और टुडे आई एम वेरी लकी एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड ऑल्सो कि मुझे ये अवार्ड मिला. और थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया. और ये महाराजा शिवाजी अवार्ड मैं हमेशा लेता रहूं और ऐसे ही अपना काम पूरी हार्ड वर्क के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा ऐसे ही करता जाऊं. थैंक यू सो मच. मेरा नाम स्वाति शुक्ला है और मैं काफ़ी टाइम से मॉडलिंग कर रही हूं और एक्टिंग कर रही हूं. अभी रिसेंटली मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला एज अ बेस्ट मॉडल के लिए और होप आगे भी मैं करूँगी. अभी मैंने रिसेंट 2 फैशन शोज़ किए ऑर्चिड होटल में एंड 1 फैशन शो बैंड्रा में किया है मैंने. एंड मुझे मिस्टर कल्याण जी ने ये अपॉर्चुनिटीज दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड मेरी टीम के लिए थैंक यू, मिस्टर निहार एंड मिस्टर नरेश के लिए, उन्होंने उनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिली है. सो थैंक यू सो मच. बेस्ट बिजनेस मैन का अवार्ड मिला है और कल्याण जी जाना के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और वो अच्छे अवार्ड देते हैं. मुझे ये अवार्ड देकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. थैंक्स टू कल्याण जी जाना, गौरव शाह और मीडिया टीम को बहुत सारा प्यार. थैंक यू. मतलब उनकी एनर्जी जो है, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर भी फ़ोन किया था. लेकिन क्या है, अवार्ड्स के लिए कभी ना नहीं बोलना चाहिए. अवार्ड्स तो एक अगली एक ऊर्जा पैदा करता है. एक अवार्ड मिलने के बाद दूसरी अवार्ड की तलाश होती है. सो ये अवार्ड्स के लिए उनके लिए बहुत ही कल्याण जी को बहुत सारी मुबारकबाद है. और अभी तो ये मुंबई में शुरू किया उन्होंने अभी और काफ़ी कुमार शानू जी देर. और मुझे बहुत खुशी है कि राकेश बेदी जो मेरे फिलोसोफर गाइड है उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला. हम लोगों ने तो बहुत काम किया है राकेश जी, तो यस बॉस जैसे सीरियल हम लोगों ने 15 साल हम लोग कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही मुबारकबाद है. और जिनको अवार्ड मिले उनको ही बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही अवार्ड हमें मिलते रहे. थैंक यू. बढ़िया है. मैं हेल्दी वेल्दी आयु का फाउंडर हूँ और ये मेरा 43वां अवार्ड है. और मैं कल्याण जी जाना और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारा सपोर्ट करने के बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. और कल्याण जी जाना जिस डेडिकेशन से काम करते हैं, जो फाउंडेशन से बहुत सारे गरीबों को हेल्प करते हैं, तो हमारी पूरी टीम ने जो कोरोना काल में काम किया है, जिसका एप्रिसिएशन आज हमें मिल रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का और आपके टीम का भी. धन्यवाद. शिवाजी हमारा गौरव अवार्ड से सम्मान किया गया है, इसके बारे में बताइए. दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड जो है, मैं कल्याण जी जाना और गौरव शाह, इन्होंने जो संबंध दिया है पुलिस की ड्यूटी करते हैं, उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू. सर आप भी अपने पहले ही प्रशंसा बहुत सारी सुनी हुई है. कोई भी अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो आप 24 घंटे के अंदर पकड़ लेते हैं. उसके लिए आपको यहाँ आज सम्मानित किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो वो तो पुलिस का काम ही है, उसमें काम हो जाता है, इसलिए 24 घंटे का तो रिकॉर्ड ही है हमारा. जी सर, कल्याण जी के बारे में आपका क्या कहना? कल्याण जी और गौरव हमारे अच्छे दोस्त है, हमेशा काम में मदद आते, पुलिस के काम में हम उनकी भी मदद मिलती है हमें. सर आपको सम्मान बहुत सारा मिला होगा, लेकिन जब किसी सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जुड़ जाए तो कैसा लगता है? भाई महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहे सब, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही बहुत है सबके लिए. थैंक यू. डियर जो ने मुझे जो सम्मान दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो अवार्ड दे के मुझे सम्मान दिया है, तो मैं कल्याण जी जाना और उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ. उनके जो योगदान थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नौजवान हैं, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. उनके काम जो भी योग कार्य है उनको योगदान दिया जाता है. ऐसे दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे इस लायक समझा और छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार दिया. थैंक यू. जय हिंद जय महाराज. क्या करते हैं अपना सर? पिछले 20 ईयर्स से सोशल वर्क का काम कर रही हूँ और ज़्यादातर सेफ गर्ल्स, मतलब उनको उनका नॉलेज देना और उनके खिलाफ जो भी अत्याचार होगा उसके लिए मैं लगती हूँ.
तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलूँगी, यही बोलूँगी कि माशाल्लाह बहुत ग्रेट फीलिंग है। हर टाइटल के साथ खुशी महसूस होती है, मोटिवेशन मिलता है, पर उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और ये जैसे कि नाम ही काफ़ी हमारे देश की शान है ये, तो जब इनके नाम का अवार्ड मिलता है तो जाहिर सी बात उसको जस्टिस करना है और वर्क हार्ड करना है और कामयाबी की तरफ कदम उठाना है। सो आई फील सो ऑनर्ड एंड यस, थैंक यू सो मच। प्रोफेशनली बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। लास्ट मंथ मेरे 3 सॉन्ग्स रिलीज हुए, एक राहत साहब का जो अभी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, एक अल्तम अश फरीदी का रूहे दारी जो फिर से इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है 3 मिलियन रील्स का, और उसके अलावा एक टी सीरीज का सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। सो बहुत कुछ आ रहा है, एक और शो आ रहा है लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, जब होगा तब आप लोग को अलग से बुलाऊँगी, अलग से उसके बारे में बात करूँगी। आप देखिए, कल्याण जी से प्यार है, कई बार उन्होंने मुझे सम्मानित किया है और इस बार फिर इस सम्मान को पाने के लिए 2.5 घंटे से मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। नायागांव से आने में 2.5 घंटे लगे हैं, बरसात भयंकर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ जाम लगा हाईवे पर, फिर भी मैंने कमिट किया था कि मेरी कमिटमेंट थी और मैं कमिटमेंट को निभाने आया, ये सम्मान मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच कल्याण जी, जाना जी, आप खुश रहें और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। और जिस शब्द जो का हिस्सा बनते हैं वो शो हिट हो जाता है, क्योंकि वैसे मूल मंत्र क्या है, क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन इतना है इंडस्ट्री में, तो उसका क्या पता नहीं, मुझे आदत है अलग अलग किरदार करने की। अब वो तेनालीरामा में तथाचार्य किया था, लोग एकदम टकला था, तो अभी ये दिलप्रीत सिंह बरार जो सरदार का किरदार कर रहा हूँ, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। और मैं वैसे भी चाहता था कि तेनालीरामा में तथाचार्य की जो इमेज बन गई थी, बहुत स्ट्रांग इमेज बन गई थी, उसको मैं तोड़ना चाहता था, उसके लिए मैंने ये दिलप्रीत सिंह बरार का किरदार दिया और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिल्में भी चल रही हैं, वेब सीरीज भी चल रही हैं, मैं हर तरह के काम करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। और जी बताइए, देखिए ये शो कल्याण जी का है और कल्याण जी का जो शो होते हैं उनमें उनके बहुत करीबी लोग होते हैं और जो सम्मानित लोग होते हैं, मुझे लगता है मैं सम्मानित से ज़्यादा करीबी हूँ, तो कल्याण जी के लिए बहुत बहुत आभार और प्यार है मेरे लिए, क्योंकि बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे और काफ़ी अवार्ड्स करते हैं, दुबई में भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, और भी काफ़ी उनके आगे के प्लानिंग हैं, तो उनका हमेशा साथ और सहयोग रहता है। आने वाले टाइम में आइए जावेद भाई, आइए आइए, जावेद भाई पहले, सबसे पहले बात की बहुत बहुत खुश है कल्याण भाई के लिए, बहुत ही अच्छा है, और एक वो इंसान जो ज़मीन से उठकर आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उन्हें कुछ अवार्ड देते हैं या उनको एक सराहते हैं, तो खुश हैं, बस यही दुआ करते हैं कल्याण भाई इसी तरह बढ़िया काम करते रहें और तरक्की करते रहें, यही दुआ है हमारी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी को नमन करते हुए कल्याण जी के बारे में ये कहूँगा कि कल्याण अब कल्याण में नहीं रहा, ये दुबई पहुँच गया है, कल्याण डोंबिवली खारघर से भी दूर दुबई पहुँच गया है, और कल्याण जी ने इतना कल्याण करते करते इतना कल्याण किया कि लोधा ग्रुप की मालकिन भी यहाँ आज हमारे बीच है, तो ये वाकई उसका जो नेचर है, कर्मठ व्यक्ति है और उसके कर्म दिखाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हम सबको पता है, तो इस बात के लिए उसी के लाइन में अगर कहूँ तो मैं नमन करता हूँ, और आप सब लोग हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं इसलिए अच्छा लगता है, और ऐसे ही करते रहिए, एक हर एक आदमी को सपोर्ट की ज़रूरत रहती है और सपोर्टिंग कास्ट ही है जो पिक्चर चलाती है आजकल, बाकी तो ज़रा हट के ज़रा बच के। देखिए आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे अवार्ड वितरण होना चाहिए, बिकॉज ऐसे अवार्ड वितरण होने चाहिए बिकॉज कलाकारों के लिए अगर ये अवार्ड मिलते हैं तो उनकी हौसला अफजाई है, और ये बहुत अच्छी बात है, और कल्याणी जाना
इस बारे में बहुत मशहूर है कि समय समय पे ये अवार्ड फंक्शन करते रहते हैं, इससे महफिलें लगती रहती हैं, लोग मिलते रहते हैं और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इसी बहाने आप सब दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस। आज हमारे परम मित्र कल्याण जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड के नाम से एक फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया था, इस फंक्शन में अलग अलग एरिया के जो आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर है, कोरियोग्राफर है और कोई जिन्होंने अच्छा कोई योगदान दिया है सोशल वर्क में, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। और ख़ास करके कल्याण जी ने मुझे ही इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये आज का फंक्शन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम वीर शिवा के धरती पर हैं और शिवाजी गौरव अवार्ड लेते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और उसके लिए मैं कल्याण जी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कल्याण जी भाई निरंतर, मतलब साल में मुझे लगता है 2 से 4 अवार्ड की इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और जो महिलाएं हैं जिनके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको बाहर लाते हैं और उस प्रतिभा का सम्मान करते हैं। और ये प्रतिभा का सम्मान करना मतलब अपने आप को एक प्रोत्साहन देना है कि हम समाज में और अच्छा कार्य कर सकें। तो इसके लिए कल्याण जी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इत्र से महकूँ ये आरजू नहीं, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। तो हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो समाज में जितने भी उदास चेहरे हैं उन सब पर हम मुस्कुराहट ला सकते हैं, जिनकी आँखों में उदासी है वहाँ पर हंसी खिला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद और भारत माता की जय। मैं बहुत हर्षित हूँ कि ऐसे सम्मान मुझे दिया जा रहा है और मैं ये सब महिलाओं, सब नारियों के तरफ से स्वीकार कर रही हूँ जो इतने कुर्बानियाँ देती हैं, इतना कुछ कुर्बान करके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक वुमेन आर मल्टी टास्कर्स, आई थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू राइज, देर आर स्टिल मैनी चैलेंजेस इन अ कंट्री लाइक आज। आई विश ऑल ऑफ देम अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड आई टेक दिस अवार्ड एज अ मोटिवेशन, एज एन इंस्पिरेशन टू मूव फॉरवर्ड विद सक्सेस एंड विद मैनी मोर माइल स्टोन्स टू बी अचीव्ड। जय हिंद एंड जय भारत। मैं मीडिया को नमन करता हूं, जो मीडिया 3 बजे से यहां पे खड़े हैं, सब कुछ मिलेगा रात को सपने में तुम्हें। मैं नमन करता मेरी टीम को, मेरी वाइफ अंकिता को, माय प्रेसिडेंट गौरव शाह को, मेरे महेश जी जो रात को चार बजे तक उन्होंने डिजाइन को फिनिश किया, 4 बजे तक, 4 बजे था ना, हर चार तक, हाँ सही बोला, हर चार तक सही बोला। शिल्पा जी, निशा जी, जिस तरीके से काम किया, दिल्ली से आए, आ जाओ शिल्पा जी, हमारे पूरी नेशनल स्पोक्स पर्सन निशा जी, पूरी कोऑर्डिनेटर है DPIF के, मेरा बहन जो रात को दिन भर काम करते हैं और रात को 9-10 बजे घर जाके वो मुझे पोस्टर बना के देते हैं, जूही, और तमाम जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं DPIF में, उत्तम जी, उत्तम भानुशाली सर जो महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं सबका नाम लेगा तो
यहाँ पे आए हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट महिला डीपीआई के दीप्ति संपूरा, पराग संपूरा, बीएन तिवारी साहब एफडब्ल्यूसी के मेरे गुरुजी, राम कुमार पाल साहब, सूरज कुमार माटे साहब, दुबई के सचिन सर, दुबई के जितेंद्र सर, दुबई के एनएफएल ग्रुप ऑफ कंपनी, हमारे एंकर तापसी मैडम और सबसे बड़े सिंगर कुमार सानू साहब, हमारे एक्स एमएलए नरेंद्र सर, मेरी दीदी मंजू लोधा दी और काफ़ी लोग आए, उन सभी का नाम लेगा तो रात हो जाएगा, वीडियो नहीं चल पाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा, बातें बोलता वीडियो करना जितना नहीं चलेगा। सभी को, सोनू को जो मेरा मैडी दिल्ली से टीम को पूरा लेके आया है, मैं उनको नमन करता हूँ। संगीत तिवारी को नमन करता हूँ जो उन्होंने डांस किया है, मैडी ग्रुप का डांस किया है, शिवा का पूरा ग्रुप डांस किया है, शिवा ने बहुत मेहनत किया है, मैडी ने बहुत मेहनत किया है और संगीता तिवारी और अमन ने बहुत मेहनत किया है, उन सभी का मैं नमन करता हूँ। नमन करते हुए आज का शो मीडिया आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर, सुपर। तब ताली बजाओ। थैंक यू सो मच। देखो टीम के बिना मैं कुछ नहीं कर पाया, टीम, ये टीम है बोल के मैं कुछ कर पाया, बाकी तो मैं तो, मेरा दो हाथ दो पैर काट दो तो कुछ बोले मिलेगा ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना खाली बोलना चाहता हूँ, मेरा दो स्लोगन है वो लेके चल रहा हूँ। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत हो चुका है, बेटियों को इंस्टाग्राम से बचाओ, सोशल मीडिया से बचाओ, अपने कल्चर को बचाओ, अपने टूरिज्म को बचाओ। जिस जिस देश ने अपने कल्चर से खेला है वो देश खत्म हो चुका, इतिहास गवाह है, नशा मुक्त भारत। तो ये जो मेरा स्लोगन था, ये स्लोगन के ऊपर मैंने ये शो रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव है और हम महाराष्ट्र के राजा, हम सब के राजा, हम सभी दिलों के राज करने वाले ऐसे राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मैं नमन करता हूँ और उनके नाम का चौथा यार हमारा पूरा हुआ। दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो 10 साल हमने पूरा किया, जब शुरू किया था रो रो के और आज हम हंस रहे, कांदिवल से शुरू हुआ, अंधेरी, दिल्ली, दुबई, अब आने वाले हमारा शो है 24 अगस्त। इसी तरह हम लोग को मेहनत करना है, इससे अच्छा शो करना है, और अब सर इससे अच्छा शो करना है। 24 अगस्त को हमारा मुंबई में शो है, अड्डा साहब ने सब मीडिया को बुलाएंगे, सिक्स और 7 अक्टूबर को मेरा दुबई में शो है, BCL, DPIA BCL क्रिकेट लीग, 24 नवंबर का मेरा मुंबई में प्रोग्राम है, मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड एंड 4th दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म्स वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड, और 24 दिसंबर को है गोवा में। तो ये साल का मेरा पूरा कोटा है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मैं टीम का आशीर्वाद चाहिए। तो ये शो जैसा हिट हुआ, इसी तरह 24 अगस्त को इस शो को, जो नया शो लेके आ रहे हैं श्री दादा साहेब फाल्के, मैं कान पकड़ रहा हूं, हमारे इंडस्ट्री के जन्मदाता, जनक भगवान, उनकी धर्मपत्नी जिनकी मंगलसूत्रों को बेचकर पहला फिल्म लेके आए राजा हरिश्चंद्र 1913 में, ए फर्स्ट लेडी एडिटर, फर्स्ट लेडी डिजाइनर, प्रोड्यूसर, उनके नाम का सरस्वती बाई फाल्के दादा साहेब सोलमेट अवार्ड, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, और इसके साथ में होगा DPIA लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड और साथ में DPIA बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड। ये 3 फिर से अवार्ड शो है, जो नहीं आ पाए वो उस प्रोग्राम में आएगा, जो उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए वो दुबई आएगा,
जो दुबई नहीं आ पाए वो मुंबई आएगा 24 को, और जो मुंबई नहीं आ पाएगा वो गोवा जाएगा, वो नहीं गोवा जाएगा, और जब गोवा नहीं आएगा वो भाड़ में गया, इस तरह भाड़ में गया। मैं नमन करता हूँ सब, मेरी टीम को नमन करता हूँ, मैं लवली वाइफ अंकिता नमन करता, मेरी बेटी को नमन करता, मेरे तमाम मीडिया को नमन करता, मेरी महादेव को नमन करता हूँ, जिस महादेव को लेके मैं आज इस, ये मेरी महादेव है जिसके लेके मैं घूमता हूँ, जिनकी लोग कहता है तुमने सुबह से पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तुमने कैसे रहते हो, मैंने बोला है ना खाना पीना यही है मेरा, हर हर महादेव ये मेरा रहता है तो मेरा सब कुछ हो जाता है। रात भर सोया नहीं हूँ मैं, पूरा काम करते गया, सुबह सुबह ये फ्लैश वाला ने मना कर दिया जिस जो स्पॉन्सर देने वाला था, अब सुबह सुबह भाई को फ़ोन किया 9 बजे, भाई मुझे नंबर दे फ्लैश वाले का, लकड़ा वाले का नंबर दे, तो भाई बंदे ना वो नंबर देता है, मेरा फ्लैश बनता है, यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे कठिनाई, जो नाश्ता देने वाला उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बाद में इसने अपने जेब से पैसा डाल के कांदीवली से नाश्ता लेके आया, तो बहुत सारे चीज़ है, जो LED का पैसा देने वाला था उसने फ़ोन बंद कर दिया, जो ट्रॉफी का देने वाला था उसने 2 दिन से ट्रॉफी का नहीं दिया, लेकिन हमारे ट्रॉफी के सिद्धिविनायक ट्रॉफी गणेश भाई ने कुछ पैसा उससे उधर रखा, मैंने भाई उधर ही रख लेकिन ट्रॉफी भेज। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सिद्धिविनायक को, गणेश भाई को, उसके ऑनर, तो लोगों ने धोखा दिया तो धोखा देने क्या होता है भाई, थोड़ी मैं शो को बंद कर देगा, काफ़ी लोगों ने मुझे धमकी दिया था पुष्कर जी 3 दिन पहले पुलिस घुसाएगा तुम्हारा शो में, तुम तो नहीं घुसाया लेकिन यहाँ बहुत सारे पुलिस आ गया, मेरी माँ कसम खा रहा भाई कल्याण जी की शो को बर्बाद करेगा पुलिस घुसाएगा, कल्याण जी के शो को ऐसा करेगा जो कल्याण जी की शो ना कर पाए। मैं रात को रोया महादेव के पास, बोली भाई मेरे पीछे लोग क्यों पड़ा है, मैंने क्या गुनाह किया लोगों का, गुनाह ये है जो 12 साल का लौंडा मुंबई में आता है और 23 साल देता है इस मुंबई शहर को, और 35 साल का आज ये लड़का बन गया है, क्या 23 साल अगर मैं कुछ कर रहा हूं, 23 साल के बाद अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो भाई मैंने क्या गलत कर दिया, ऐसा दिन में 2 साल हुआ मेरा बॉम्बे में आके, 3 साल हुआ, 10 साल, सर मैं 23 साल दिया इस मुंबई शहर को, उसके बाद अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, उसके बाद भी तुम्हारे पिछवाड़ा में तुम्हारा आग लगी है, है? कोई बात नहीं है, आग और लगाएंगे हम, ये थोड़ा ही आग लगाया, तापसी जी को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, तापसी को मेरे बारे में बहुत कुछ लोगों ने बोला, लेकिन तापसी ने बोला भाई कल्याण जी आप मुझे बुलाते नहीं हो, मैंने बोला कोई नहीं है महादेव का खेल है, अब महादेव आपको बुलाएंगे, तापसी जी आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे शो में रहेंगे, आप मेरी बहन है और भाई बहन एक अच्छा काम करेगा, बड़ा काम करेगा, और जो जो बोलता है उसकी लगाएंगे, और काम करके काम से मारेंगे। तो मैं उस समाज को बोल रहा हूँ जब पुलिस तो नहीं आया, तुम लोग तो नहीं भेजा पुलिस, ये सब देखेगा मीडिया, ये सब देखेगा, सब छान मारेगा कौन आया कल्याण जी के शो में, कौन स्पॉन्सर आया, कौन आया, तो देखो जो भी आया, जो तुमने बोला था पुलिस आएगा, लेकिन तुम तो नहीं बुलाया, मैंने बहुत पुलिस को बुलाया, वो आया, वो आके कल्याण जी को नमस्ते करके गया, प्यार करके गया और भाई की तरह मोहब्बत करके गया, तुम कब बुलाओगे वो मुझे नहीं पता है, वो दिन बोल देना, मैं उस दिन में वेट करने वाला हूँ, ना कभी मैं गलत करता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना मैं गोवा खाता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, मैं कुछ नहीं है भाई, मेरा नशा एक ही नशा है कुछ करने का, और मेरी बॉडी पे मुझे व्हाइट कपड़ा नहीं चाहिए, मेरे को देश का तिरंगा चाहिए, बस वो नशा है, और दूसरा नशा है मैं जिस दिन मैं मरेगा उस दिन पूरी हिंदुस्तान बंद होगा, एक एक बच्चा एक एक बंदा बोलेगा कल्याण जी मर गया, चलो गाड़ी उठाओ, मुझे वो काम करना है, हर लोग व्हाइट कपड़ा पहन, व्हाइट का जब मरता है तो व्हाइट कपड़ा लगाता है उसके ऊपर, मुझे व्हाइट कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे देश का तिरंगा चाहिए, बस मैं उसी लिए मर रहा हूँ और वही मेरी जोश है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, अगर जिसको जो करना जो उखाड़ना उखाड़ ले।
बस इतना ही बोल रहा हूँ, बस हर हर महादेव। जो करना है मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पहले ही मैंने सेवा चैलेंज किया था, अभी भी कर रहा हूँ, जो खाना उखा ले। कल्याण जी करेगा और करेगा, घोड़ा है ना, थकेगा ना, रुकेगा ना, सोएगा, सिर्फ भागेगा और दौड़ेगा। और तूफान है तूफान, इस तूफान को रोकोगे तुम खुद बह जाओगे। तूफान है तूफान, तूफान आगे मेरा अंदर 23 साल का आगे, मत खेलो जल जाओगे भाई। अंदर पूरा आँख जल रहा है मेरा, 23 साल का आँख, आओगे खेलोगे जल जाओगे, जल मत और पंगा मत ले, बस और कुछ नहीं। जैसे कि मुझे तो पता नहीं किस बारे में आप लोग बात कर रहे हो, लेकिन जिसके साथ महादेव है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो इंसान, ये सब मीडिया को पता है, तुम दिल्ली में रहते हो ना। सो आई डोंट नो, बट इनका दिल्ली में शो था, मैं वहाँ पे भी थी, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। मैं उसकी पूरा एकदम, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, मैंने तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एक अकेला इंसान मुंबई से दिल्ली जाके कैसे कर लेता, आई डोंट नो। मे भी शायद महादेव ही ये सब इतनी पावर देते हैं कि ये सारा काम कर पाते हैं। और एक्चुअली मेरा भी छोटा सा ये कि मैं भी बिजनेस करती हूँ, सोशल वर्कर में भी मेरा रहता है, मैं बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ अकेली, क्योंकि मैं भी शिवा में ही बिलीव रखती हूँ। जैसे ये लेके घूमते हैं, मैं भी अपने गले में महादेव लेके घूमती हूँ। क्या बात है, हरा हरा महादेव, मेरी रिंग भी है, मैं ऑल द टाइम महादेव को हर जगह अपने साथ रखती हूँ। तो ये जो एनर्जी आती है ये सिर्फ महादेव से है, और कोई भी इंसान किसी भी तरह से किसी को नीचा दिखा के ऊपर उठ ही नहीं सकता है। इसीलिए जो भी है, जितने भी लोग हैं, अच्छे से प्यार से जुड़ो, प्यार से काम करो, एक साथ आगे बढ़ो। कुछ नहीं रखा इस समय, सबने एक दिन जाना यहाँ से, हाँ एग्जैक्टली, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब यही रह जाएगा। इसीलिए प्यार से रहो, काम करो, सपने पूरे करो, खुश रहो। क्या बात है, उतर जाइए, बोलिए, आइए 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 आइए, दोनों आइए। सबसे पहले आप लोग का दोपहर 3 बजे आप यहाँ पे आए और इतना टाइम से आप रुके हुए, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और यही हॉल के अंदर ये साल में ये 4th अवार्ड होएगा किसी का, लेकिन हमारा शो सबसे ऊपर था। हाँ भाई, बहुत लोग शो किए यहाँ पे, लेकिन हमारा शो सबसे ऊपर था, हमने कर दिखाया है, अगले महीने नेक्स्ट शो में भी इससे अच्छा करेंगे, बस यही शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, हमेशा जिस बहादुरी से, जिस एनर्जी से काम करते हैं वो काबिले तारीफ है, और मुझे इनके साथ जुड़ के, उन्होंने जो महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं लाइफ टाइम इनके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू बीडी, आप आए, क्योंकि आपके बगैर शो हो भी नहीं सकता। थैंक यू। तो मेरा नाम तापसी टंडन है, एंड मैं जो है कल्याण जी जाना से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जिनको जो है गरीबों के एक्टर बोलते हैं। एंड होस्टिंग मुझे बहुत सालों से हो गई, बट एक जो यहाँ पे, हाँ, सोशल वर्क के थ्रू जुड़ के एक अनुभव मिलता है वो बहुत ही प्यारा है। एंड अभी तो बहुत ऊँचे काम करने हैं, तो जो है मैं सारी मीडिया स्पॉन्सर सबका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। एंड ऑल द बेस्ट आपको, एंड ऐसे ही हमारी जर्नी को सपोर्ट करिए। थैंक यू।